इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। अगर आप बैंक के कामकाज निपटाने के बारे में सोच रहे हैं तो अलर्ट हो जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार 3 दिनों तक देश में बैंक बंद रहने वाला है। आगामी 31 जनवरी से बैंक यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है, यानी कि 31 जनवरी और 1 फरवरी 2020 को हड़ताल के चलते बैंक बंद रहेंगे। वही 2 फरवरी को रविवार है और इसीलिए उस दिन भी आप बैंक का कोई कामकाज नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यूनियन ने मार्च के महीने में भी 3 दिन और 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU ने कहा है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को बैंकों में हड़ताल रहेगी। वही मार्च में 11, 12 और 13 तारीख को हड़ताल जारी रहेगी। बैंक यूनियन ने 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी घोषणा कर दी है। दिल्ली प्रदेश बैंक कर्मचारी संगठन के महासचिव अश्वनी राणा ने बताया है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने वेतन में 12.5% वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि अभी तक मंजूर नहीं है, और इसीलिए देश भर के सभी सरकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल करेंगे। इससे बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस हड़ताल के प्रमुख कारण की और जानते हैं क्या है बैंक यूनियन की मांग। बैंक यूनियनों की मांग है कि वेतन में कम से कम 20% की वृद्धि हो जाए, बैंकों में 5 दिन का कार्य दिवस हो, बेसिक पे में स्पेशल भत्ते का विलय हो, NPS को खत्म किया जाए और पेंशन का अपडेशन हो। परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी सुधार की बात कही गई है। स्टाफ वेलफेयर फंड का परिचालन लाभ के आधार पर बांटना होगा। रिटायर होने पर मिलने वाले लाभ को आयकर से बाहर करना होगा। शाखाओं में कार्यों के घंटे और लंच समय का सही से बंटवारा किया जाए। अधिकारियों के लिए बैंक में कार्य के घंटे का नियमितकरण करें। कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के लिए समान वेतन दिया जाए। अपनी इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।